हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारे लिए होने वाली है बहुत ही डिफरेंट सी वीडियो, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है मैं पहली बार आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो होने वाली है अपकमिंग स्मार्टफोन दिसंबर 2019 के बारे में, कि दिसंबर में कौन कौन से फ़ोन लॉन्च हो गए 2019 में। दोस्तों पहली बार ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि हर महीने की स्टार्टिंग में मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों चलिए जल्दी से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं दिसंबर 2019 अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलिए जल्दी से चलते हैं अब हम अपने दिसंबर 2019 अपकमिंग स्मार्टफोन्स की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले चले मेरे खुद के फेवरेट ब्रांड की तरफ, जो कि है सैमसंग। दोस्तों सैमसंग की तरफ से आपको देखने को मिल सकते हैं दिसंबर में बहुत से कमाल कमाल के स्मार्टफोन्स। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग की ए सीरीज के स्मार्टफोन में, जो आपको दिसंबर में देखने को मिल सकते हैं। आपको देखने को मिल सकते हैं सैमसंग A71 एंड A51, या तो आपको दोनों ही देखने को मिलेगा या दोनों में से एक तो पक्का आपको देखने को मिलेगा दिसंबर 2019 में। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है सैमसंग की ए सीरीज के नवे स्मार्टफोन, आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं बिग स्क्रीन। प्रोसेसर की बात करें आपको इसमें देखने को मिलेगा 730G प्रोसेसर और बिग बैटरी, बिग स्क्रीन और फास्ट चार्जिंग वगैरह इसमें आपको देखने को मिली सकती है। और दोस्तों ये था हमारा पहला स्मार्टफोन। और दूसरे स्मार्टफोन की बात करें वो भी सैमसंग की तरफ से ही है, जो कि सैमसंग की एम सीरीज की तरफ से, जो कि एक बजट सीरीज है और अच्छी सीरीज है। वो होने वाला सैमसंग गैलेक्सी M50। तो होने वाला सैमसंग गैलेक्सी M50 बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन। तो दोस्तों इसके थोड़े प्राइस वगैरह की बात करें तो आपको ये 10 से 15 हज़ार के बीच में ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों जो सैमसंग की एम सीरीज़ है वो एक बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन निकाल रही है। और इसके प्रोसेसर की बात करें आपको इसमें देखने को मिल सकता है स्नैपड्रैगन का 712 यानी 712 प्रोसेसर। और बैटरी की बात करें आपको शायद इसमें देखने को मिलेगी 3700 mAh की बैटरी। तो दोस्तों ये था हमारा सैमसंग की तरफ से दूसरा स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M50, जो कि हो सकता है दिसंबर में ही लॉन्च। दोस्तों चलिए जल्दी चलते हैं हम अपने तीसरे स्मार्टफोन की तरफ। तो दोस्तों जो हमारा तीसरा स्मार्टफोन है वो है वीवो की तरफ से, जो कि है वीवो S1 Pro। इसकी हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इसकी सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों जो वीवो S1 Pro है वो ऑलरेडी चाइना में हो चुका है लॉन्च, लेकिन अब होगा इंडिया में लॉन्च। अब है इसकी इंडिया की बारी। दोस्तों मैं एक फोटो दिखाता हूँ इस Vivo S1 Pro की, फोटो देखिए। इसमें जो आपको कैमरा है वो थोड़ा मतलब कि डायमंड कट सी शेप में हमें देखने को मिलता है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग सा और अलग सा देखने को मिलेगा। इसकी मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है Vivo S1 Pro की, नहीं देखी तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप इसे देख सकते हैं। तो ये था हमारा तीसरा स्मार्टफोन। तो चलिए जल्दी से चलते हैं हम अपने फोर्थ स्मार्टफोन की तरफ। हमारा नेक्स्ट फोन है वो है Honor की तरफ से, जो कि है Honor 9X। दोस्तों थोड़ा टाइम से ये Honor Huawei वगैरह थोड़ी शांत बैठी हुई थी, लेकिन अब ये करने वाली अपने नए स्मार्टफोन्स लॉन्च, जो कि होनर की तरफ से तो आने वाले Honor 9X। तो दोस्तों ये हो सकता है शायद या तो दिसंबर की एंड में लॉन्च होगा या जनवरी की फर्स्ट वीक में ही आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन लॉन्च होगा या दिसंबर के एंड में या जनवरी की फर्स्ट में। आपको इसमें प्रोसेसर जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा कीरिन का 710F प्रोसेसर, हाँ जी। और जो बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी। तो हमारा जो फिफ्थ फोन होने वाला है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हमें ये फिफ्थ फोन मिलेगा फोल्डेबल फोन, जो कि आता है मोटो की तरफ से, मोटो रेजर। दोस्तों ये होने वाला है एक फोल्डेबल फोन मोटो की तरफ से, बहुत टाइम बाद हमें मोटो की तरफ से स्मार्टफोन देखने को मिला मोटो रेजर। दोस्तों इसके प्रोसेसर की बात करें तो आपको इसमें देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 710 यानी 710 प्रोसेसर। और बैटरी की बात करें बैटरी आपको मिलेगी 2510 यानी 2510 mAh की बैटरी, बैटरी कैपेसिटी थोड़ी कम लग रही है। दोस्तों ये था हमारा फोल्डेबल फ़ोन मोटो रेजर, इंतजार रहेगा हमें इस फोल्डेबल फ़ोन का। तो दोस्तों शायद ये जो फोल्डेबल फ़ोन है इसकी प्राइस हाई रहेगी, क्योंकि दोस्तों फोल्डेबल फ़ोन है और मोटो की तरफ से है, तो दोस्तों शायद इसकी प्राइस रहने वाली है थोड़ी ज़्यादा, बजट फ़ोन से ज़्यादा। हमारा अगला फ़ोन है सिक्स्थ फ़ोन, वो होने वाला है नोकिया की तरफ से, जो कि है नोकिया 8.2। दोस्तों इसके कुछ फीचर्स वगैरह अभी हमें नहीं पता, लेकिन कहा जा रहा है कि दिसंबर में ही हमें नोकिया 8.2 देखने को मिलेगा। दोस्तों एक फ़ोटो मैं दिखाना चाहता हूँ नोकिया 8.2 की। दोस्तों ये बैक की फ़ोटो है, कुछ गोल से हमें आपको एक कैमराज देखने को मिलते हैं, मतलब गोल राउंड से के अंदर थोड़ा बम्प सा भी निकला हुआ है। दोस्तों ये होने वाला है हमारा नोकिया 8.2 दिसंबर में लॉन्च।
दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट फोन होने वाला है वो होने वाला है रियलमी की तरफ से, जो कि है रियलमी का XT730G स्मार्टफोन। तो दोस्तों ये जो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की जा रही है वो की जा रही है 19 to 20 दिसंबर, यानी 19-20 दिसंबर के आसपास ये लॉन्च हो सकता है इंडिया में। तो दोस्तों रियलमी कुछ कमाल ही हमें करके देता है, क्योंकि दोस्तों रियलमी के जो मुझे पीछे के डिज़ाइंस वगैरह ना, मतलब बैक डिज़ाइंस होगी, स्पेसिफिकेशंस होगी, ज़्यादा मुझे रियलमी के डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पर्सनली फेवरेट लगते हैं। तो दोस्तों रियलमी XT730G हो सकता है 19 से 20 दिसंबर को इंडिया में लॉन्च। तो दोस्तों चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ। तो जो हमारा फ़ोन होने वाला है नेक्स्ट वो होने वाला है रेडमी की तरफ से। रेडमी को हम भूल गए थे, रेडमी की तरफ से एक स्मार्टफोन होने वाला है जो कि होने वाला है रेडमी का K30 K सीरीज़ का ही स्मार्टफोन। पीछे K20 वगैरह लॉन्च हुआ है, वो होगा K30 दिसंबर में। लेकिन दोस्तों ये जो K30 दिसंबर में लॉन्च होगा ये इंडिया में नहीं होगा, ये होगा चाइना में लॉन्च। शायद हमें इंडिया में उसके मंथ के बाद देखने को मिल जाए, जनवरी फरवरी में हमें देखने को मिल जाए। लेकिन जो रेडमी K30 है वो दिसंबर में होगा चाइना में लॉन्च। दोस्तों इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा, वो मिलेगा स्नैपड्रैगन का 735 प्रोसेसर, और फास्ट चार्जिंग वगैरह होगी और टाइप सी वगैरह शायद हम इसमें देखने को मिल जाए। दोस्तों ये था रेडमी का K30 जो कि होगा दिसंबर में चाइना को लॉन्च। दोस्तों और ब्रांड भी छोटे छोटे ब्रांड्स हैं, लगा लिए इन्फिनिक्स वगैरह हो गए, ये भी दिसंबर में अपने स्मार्टफोन्स लॉन्च करेंगे। जो स्मॉल ब्रांड्स हैं इनके स्मार्टफोन्स के भी ये तो नहीं पता कौन कौन से मॉडल्स आएंगे, लेकिन इन्फिनिक्स वगैरह हो गए और भी बहुत से ब्रांड हो गए छोटे, जो छोटे स्मॉल ब्रांड्स हैं ये भी दिसंबर में अपने स्मार्टफोन लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों फाइनली यही थे हमारे दिसंबर 2019 के अपकमिंग स्मार्टफोन्स। दोस्तों दिसंबर का महीना बहुत ही मतलब बढ़िया सा होने वाला है, क्योंकि दिसंबर में बहुत से स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे, बहुत से स्मार्टफोन्स देखने को मिलेगा, बड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि दोस्तों जो गैजेट्स है ना वो गैजेट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब जो भी कोई नवा स्मार्टफोन नवा गैजेट आता है ना, मेरा ऐसा मन करता है कि जैसे ही बस मैं मार्केट में जाऊँ उनको बाय कर लूँ। लेकिन थोड़ा बजट का भी देखना पड़ता है, सब कुछ बाय नहीं कर सकते। और दोस्तों इंतजार रहेगा हमें इन स्मार्टफोन्स का जो कि होने वाले दिसंबर में लॉन्च। तो जो पिछले मंथ गए हैं कुछ, मतलब ये नवंबर वगैरह निकले हैं, इनमें कुछ स्मार्टफोन्स इतने ज़्यादा नहीं आए थे, वो थोड़ा ठंडा ठंडा सा गया था। लेकिन अब दिसंबर का महीना बहुत ज़्यादा गर्म होने वाला है, क्योंकि इनमें बहुत से स्मार्टफोन्स आने वाले हैं। दोस्तों इंतजार रहेगा हमें सब इन स्मार्टफोन्स का। दोस्तों ये थी आप लोगों के लिए वीडियो दिसंबर 2019 के अपकमिंग स्मार्टफोन्स। दोस्तों दिसंबर 2019 अपकमिंग स्मार्टफोन्स की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये मैंने पहली बार ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग इंतजार करते हैं कि हमें कब पता लगेगा कि दिसंबर में कैसे कैसे, मतलब जो भी मंथ होता है कैसे कैसे स्मार्टफोन्स हमें देखने को मिलेंगे। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाई दी जाए, अच्छी लगी होगी तो आप लोग ज़रूर बताओगे, तो मैं महीने की शुरुआत में ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।